अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं क्यूबिस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ए आर न्याजी, आर्ट वीडियो रिकॉर्डिस्ट एंड एडिटर। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। तो आज के लेसन में फिर वही हेलियन वन, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें आज मैं आपको म्यूज़िक बनाने का तरीका बताऊँगा, यानी आप किस चीज़ की धुन कैसे बना सकते हैं। इसमें हारमोनियम भी है, बैंजो भी है, गिटार भी है, स्ट्रिंग भी है, हर चीज़ इसमें है। यानी आप अगर बनाना चाहें तो पूरा म्यूज़िक यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आज मैं दुरुदे पाक की धुन कैसे बनाता हूँ ये देखें, ठीक है। इसी को वैसे खोलेंगे उसी तरह यहाँ पे। अब ये देखें, प्रीसेट में जाएंगे, यहाँ ढेर लगा हुआ है हर चीज़ का। फर्ज करें मैं एक ही करके आपको चेक करवाता हूँ जी। सबसे पहले ये देखें ऊपर, दूसरा चेक कर लेते हैं जी। ये क्या है जी, ब्रास सेक्शन VX। अब चेक करते हैं जी ये है क्या, सुने जरा। कितनी मजे की चीज है जी। अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो आप इसी से काम चला सकते हैं। ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ, गौर से सुनिएगा। ये मैं कंप्यूटर के कीबोर्ड से बजा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप इस चीज़ को जानते हैं, आप ये फन जानते हैं, हारमोनियम वगैरह बजाना जानते हैं, तो आपके लिए ये कमाल का लेसन है। तो फिर दोबारा ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज का लेसन बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही कमाल का है, उन लोगों के लिए जो म्यूज़िक से मोहब्बत करते हैं, म्यूज़िक के बारे में जानना चाहते हैं और म्यूज़िक ट्रैक क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये देखें जी, ये इसमें और कौन क्या क्या है। ये ब्रास सेक्शन FX है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे ये क्लीन गिटार है, FX है, VX है। अब चेक करें ये क्या, ये कैसे काम करता है। जी जनाब, कुछ समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना। इसको बजाने के लिए आपको हारमोनियम सीखना पड़ेगा सबसे पहले। इसके लिए भी मैंने लेसन बनाए हुए हैं, तो वो भी मैं जल्द अपलोड कर रहा हूँ। जो लोग हारमोनियम सीखना चाह रहे हैं वो इसी चैनल पे अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। हारमोनियम के लेसन भी, तो वो भी आपके लिए बहुत कारआमद साबित होंगी, आप उस पर काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे मुझे उम्मीद है। तो इसके अलावा और क्या क्या जी इसमें देखें, फ्लूट इसमें है, इलेक्ट्रिक बेस इसमें है। ये देखें बेस ये सॉन्ग्स में इस्तेमाल होती है, ये चेक करें ये क्या चीज़ है। ये मैं कौमी तराने की धुन बजा रहा हूं। ठीक ना, ये आ गया। इसके अलावा और चेक करवाता हूँ चीजें आपके, ये जो मेन चीजें इस्तेमाल होती हैं म्यूजिक में, फर्ज करें जी ये स्टील स्ट्रिंग चेक करें जरा। फर्ज करें आप दफ में इसको इस्तेमाल करें, तबले में इस्तेमाल करें, म्यूजिक जहाँ भी फर्ज करें जी दफ चल रही है, आप साथ चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे आप ढूंढते रहेंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये समंदर है, अगर आप जानते हो सॉफ्टवेयर को, ठीक है। अब ये देखें, कोई भी चीज़ हो वहाँ पे आप धुन बजा सकते हैं, ठीक है। ये इसके अलावा जी मैं आपको चेक करवाता हूँ, इसमें बैंजो ये देखते हैं, बहुत अच्छा ये म्यूज़िक है और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ये भी इसी में है,
म्यूज़िक बनाने के लिए आपको ये बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसके लिए हारमोनी में आपको आना चाहिए लाजमी, ठीक है। इसमें सारे म्यूज़िक हैं जो आप सोच सकते हैं वो सारे इसमें हैं, ठीक है। इसमें बांसुरी है जनाब, ऐसे ऐसे हैं जिनके मुझे भी पूरे नाम नहीं आते। पियानो है इसमें, ये देखें, इसमें स्केल आपको सीखने पड़ेंगे, आपको पता है कौन सा सुर है, ये कौन सा राग है, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप छोटा मोटा काम इससे कर सकते हैं, जितने आप दफ में कुछ चीज़ें करनी हो, फर्ज करें यदि आपने कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है, ये मैं अभी उसी तरह रिकॉर्ड इसमें भी करूँगा। कहाँ क्या जी, जो मुझे इसमें पसंद है वो बैंजो है, बैंजो में ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो बैंजो से हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला की धुन रिकॉर्ड करते हैं जी, देखें कैसे ऊपर से रिकॉर्डिंग लगाएंगे। अब जी मैं इसको प्ले करता हूं, आप सुन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेसन भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें, ये लेसन इससे अच्छे से इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेके आऊँगा, आसान तरीके से आपको समझाऊँगा, ठीक है। यानी ये अभी मैंने सिर्फ आज धुन रिकॉर्ड की है, तो अगले लेसन में इंशाल्लाह दफ लगा के उस पर धुन कैसे बनते हैं वो बना के आपको दिखाऊँगा, तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। किसी म्यूज़िक वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप समझते हैं म्यूज़िक को, म्यूज़िक से आप प्यार करते हैं, तो जनाब आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर वही कहूँगा कि अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। और उम्मीद करता हूँ कि तब तक इंशाल्लाह मैं लेसन बनाने नहीं छोड़ूंगा जब तक आपको पूरा स्टूडियो वाला मैं बना ना दूँ, ताकि आप अपना काम शुरू करके अपने छोटे मोटे काम कर सकें, और जो हजरात इसको एज ए प्रोफेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अपना रोज़गार कमा सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।